नमस्ते जी, जी। देहरेवान हेलिंग साइंस से मैं हूँ तहरेवान आपका अपना हेलिंग मास्टर <coughs> दोस्तों अभी आज से हमने एक नई पहल की है कि जो बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे क्लासेस ले रहे हैं और जो यूट्यूब चैनल देख करके भी जो लोग आप लोग कमेंट्स में या हम इंस्टाग्राम में डीएम करके क्वेश्चन पूछते हैं तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो ज़रूरी हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने उठाया है और लीना जी मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे जिनका आंसर मैं आपको यहाँ दूंगा और ऐसे ही हर हफ्ते आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब देंगे इसी तरीके से हम वीडियो बना करके तो एक नई पहल की है और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपके काम आ रहा है या नहीं ताकि हमें पता चले कि ये काम करता है या नहीं तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सवाल हैं जो हम सुनेंगे और उनके जवाब देंगे इनका फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रिड कब कैसे और कौन सी प्रॉब्लम में हिल करने में बनाया जाता है और इनमें कौन से मंत्र और सिंबल का यूज किया जाता है ग्रिड पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि ग्रिड कैसे बनाते हैं लेकिन ये सवाल है कि ग्रिड कब, कब, कब बनाया जाता है देखो ग्रिड बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है ग्रिड के बारे में एक बात आप जान लीजिए कि ग्रिड जो है ची बॉल का फिजिकल फॉर्म है जो हीलर ची बॉल बनाना सीख गए हैं जो कि बहुत लंबे अभ्यास के बाद आता है वो क्षमता कि जो हीलर ची बॉल बना लेते हैं उनको ग्रिड बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है लेकिन जब हम ची बॉल बनाते हैं तो हमारे देह का हमारे चित्त का एक हिस्सा हमारे थॉट का एक हिस्सा हमें उस ची बॉल पे हमेशा रखना पड़ता है लेकिन जब हम उसे ही ग्रिड के फॉर्म में तैयार करते हैं मतलब कोई भी पत्थर कर्लिन स्टोन हो या रोज हो या ब्लैक टर्मोलिन हो कोई भी स्टोन का हम जब बनाते हैं ग्रिड तो वो ची वॉल का फिजिकल फॉर्म है मतलब कि वो बना करके हम भूल सकते हैं हफ्ते में एक बार भी अगर हम उसे हीलिंग दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो हीलिंग उसमें जा कर के आपके क्लाइंट के पास पहुंच रही है या तो आपके क्लाइंट के पास पहुंच रही है या किसी समय पे पहुंच रही है या किसी होने वाले किसी इंसिडेंस को आप करना चाहते हैं उस कंडीशन में वहाँ पहुँच रही है तो इस तरीके से हम ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी केस में किसी भी प्रॉब्लम के लिए किसी भी हिलिंग के लिए ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब ये ग्रिड ऐसा है कि उसमें जब छः पेंसिल्स जब हम लगाते हैं तो वो जो छः पेंसिल हैं वो ऊर्जा को केंद्रित कर देती है मतलब कि देखो ऊर्जा जाती है ऊर्जा इस तरह से फैलती है सूर्य की किरणें भी ऐसे फैलती है लेकिन हम पेंसिल्स को उल्टा रखते हैं तो ऊर्जा बाहर से अंदर की तरफ आती है मतलब कि ऊर्जा कहीं ना कहीं केंद्रित हो रही है और केंद्रित होकर के फिर वो वहाँ जाती है जहाँ आप उसे भेजना चाहते हैं तो ग्रिड का प्रयोग कुछ इस तरीके से होता है और तो ग्रिड में ही क्या सवाल है मंत्र और सिंबल मंत्र का उपयोग ग्रिड में हम नहीं करते नहीं करते मंत्र का उपयोग ग्रिड बनाने से पहले अपने आप में करते हैं देखो बेटा कहने का मतलब ये है कि ग्रिड आपकी क्षमता को एम्प्लीफाई करता है आपकी क्षमता को एम्प्लीफाई करता है मतलब कि अगर आपके पास इतनी क्षमता है तो उसको वो दस गुना करेगा आपके पास इतनी क्षमता है तो वो उसे दस गुना करेगा आपके पास इतनी क्षमता है, तो है तो वो उसे दस गुना करेगा मतलब दस रुपये दस गुना होकर के सौ रुपये हो जाएंगे हज़ार रुपये हो जाएंगे कितने होंगे दस गुना गए सौ सौ रुपये हो जाएंगे सौ रुपये दस गुना के हज़ार रुपये हो जाएंगे सौ रुपये दस गुना होकर के हज़ार रुपये दस गुना होकर दस हज़ार हो जाएंगे तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो उससे आपकी ऊर्जा अंदर ही केंद्रित हो जाती है आप एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हो उस मंत्रों की शक्ति से भर जाते हो अगर वो सिद्ध किया हुआ मंत्र है जिसे आपने अपने गुरुओं के द्वारा सिद्ध किया है अपने गुरुओं के साथ सिद्ध किया या किसी गुरु ने आपको दिया सिद्ध करके तो वो वो मंत्र आपके पास है तो उस ऊर्जा से पहले थोड़ी देर जाप करके आप अंदर ही क्षमता से भर जाता है आपका और शुद्ध हो जाता है आपका और शक्ति से भर जाता है और उस समय जब आप ग्रिड बनाते हो तो ग्रिड आपके अंदर से जो शक्ति ले रहा है वो ज़्यादा शक्ति ले पाएगा हमारे सीधी बात है दस रुपये ना डाल के आपने सीधे सौ रुपये डाला है उस पर या हज़ार रुपये डाला है तो मंत्र का प्रयोग कुछ ऐसे होगा उसमें और क्या है उसी में सवाल सिंबल कौन सा सिंबल जी सर कौन से सिंबल का यूज ग्रिड में सारे सिंबल आप इस्तेमाल करेंगे मतलब ऐसा नहीं कि सारे सिंबल अभी इस्तेमाल करना है ग्रिड का किस वजह से आप ग्रिड बना रहे हो जैसे फ्यूचर के प्रॉब्लम के लिए बना रहे हो तो हॉन सजेशन जरूर करेंगे आपको पता है किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए आप ही कर रहे हो तो सिस्टर वसुधा इन्हें आप ज़रूर लाएंगे अगर आप किसी के मेल फीमेल के ऑर्गन्स को हिल कर रहे हो तो आँख सिंबल का प्रयोग करेंगे ब्लैक मैजिक है तो अलग अलग उसके हिसाब से क्योंकि आपने सारे सिंबल्स के बारे में सीखा है जाना है तो जिनका जरूरत है वह करेंगे अगर आप गलत किसी और सिंबल का भी प्रयोग ज़्यादा सिंबल कर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब हो जाएगा या गलत चला जाएगा नहीं अगर उसका उपयोग नहीं है तो वो काम नहीं करेगा वो कुछ ख़राब नहीं करेगा तो आप अपने सिंबल्स के बारे में पहले जानेंगे उसके बाद आप उसमें प्रयोग करेंगे कि कौन कौन सा सिंबल प्रयोग कर सक करना है सारे सिंबल का प्रयोग आप कर सकते हैं तो आप ये नहीं कि सारे सिंबल का ही प्रयोग करें जो सिंबल की आवश्यकता है वो करें जैसे बैलेंस करना है तो सही की करेंगे उद्रिका सिंबल का प्रयोग करेंगे तो इस तरीके से अगला सवाल पिरामिड कितने टाइप के होते हैं और कब कहाँ किस तरह से इसका यूज़ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए पिरामिड जैसे कि जी सर। पिरामिड जो है जैसे कि ये पिरामिड है या फिर ये पिरामिड है ये फिजिकल फॉर्म ऑफ पिरामिड है जैसे सेवन चक्रा पिरामिड है तो सेवन चक्रा पिरामिड में जितने भी कलर के पत्थर हैं वो सभी सिंबल वो सभी पत्थरों को सभी क्रिस्टल्स को आप अलग अलग पिरामिड के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरा कि जैसे ये लक्ष्मी पिरामिड है तो इसमें कौड़ियों को बना करके ब्लैक टर्मोलिन का एक पिरामिड बनता है जो व्हीकल को मशीनों की हिफाजत के लिए होता है तो बहुत सारे तरीके के पिरामिड्स हो सकते हैं सारे तरीके के पिरामिड्स के बारे में आपको अपने गुरुओं से पता चलेगा आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरा एनर्जी फॉर्म ऑफ पिरामिड कॉपर एनर्जी का पिरामिड मतलब कि कॉपर का पिरामिड जो आप एनर्जी फॉर्म में अपने अपने इमेजिनेशन से बनाते हैं वाइट लाइट का पिरामिड गोल्डन लाइट का पिरामिड आप रेड लाइट का पिरामिड ये तीन चार रंग चार रंग के पिरामिड्स हम बनाते हैं रेड की जगह हम कॉपर ही यूज़ करते हैं क्योंकि कॉपर रेड एक जैसा ही हो जाता है तो ये चार तीन या चार रंग के पिरामिड आप इस्तेमाल कर सकते हैं ध्यान के लिए हीलिंग के लिए जब किसी की हींग कर रहे हैं तो एनर्जी पिरामिड में रखें और कभी घर में या किसी की फिजिकल फॉर्म में अगर आप हीलिंग कर रहे हो तो सेवन चक्रा पिरामिड्स को अलग अलग रख करके के भी उनके शरीर के ऊपर रख करके के भी आप यूज़ कर सकते हो कोई भी पत्थर कोई भी पिरामिड कोई भी टूल हमेशा याद रखिएगा वो एक टूल है वो टूल की तरह ही इस्तेमाल हो टूल की तरह ही काम आए किसी और तरीके से काम ना आए आप उसको ये मत समझिए कि उसमें कोई विशेष शक्ति होती है बेशक उसमें शक्ति होती है लेकिन उसमें शक्ति जैसे कि पायराइट का पत्थर है वो धन संपत्ति वाले जो विचार हैं उन्हें मैग्नीफाई करने के लिए काम आते हैं उन्हें एम्प्लीफाई करने के लिए काम आते हैं तो उसमें क्षमता है चीज़ों को एम्प्लीफाई करने के लिए जैसे कि जो स्पीकर होता है गाने का स्पीकर उसमें गाना गाने की क्षमता नहीं है वो गाना नहीं निकालता वो साउंड भी नहीं निकालता साउंड किसी और चीज़ से नहीं किसी और मशीन से डिवाइस से निकालता जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में गाना चल रहा है उसमें साउंड चल रहा है उससे आप अटैच करते हो स्पीकर को तो वो स्पीकर जो है एम्पलीफाई कर देता है उस साउंड को ये सारे पत्थर वैसे ही हैं वो चीज़ आपकी शक्ति को एम्पलीफाई करते हैं थर्ड क्वेश्चन है आई नो कि जब तक कोई बिलीव नहीं करे और हीलिंग नहीं मांगता तब तक नहीं करना चाहिए बट आपको पता हो कि बहुत जरूरी है उनको हीलिंग करना तो क्या उनको बिना बताए हम हीलिंग कर सकते हैं जैसे कि फैमिली हो गया हो या फिर कोई भी पर्सन हो जैसे कि बिल्कुल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं बट उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है इम्पॉर्टेंट है उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है जैसे कि एक छोटा बच्चा है या बेटा है उसकी जबर उस, उसकी हिलिंग उसकी माँ कर रही है जैसे कि हॉस्पिटल में आप जाते हो तो किसी पेशेंट की जिम्मेदारी आप लेते हो ना कि डॉक्टर आपको ये सारा कुछ बताता है वो बिल्कुल ऐसा है कि आप वो पेन फील कर पा रहे हो वो तकलीफ़ फ़ील कर पा रहे हो उनके लिए तो बीमार वो है लेकिन परेशान आप हो तो एनर्जी लेवल पे आप उससे जुड़ चुके हो एनर्जी लेवल पे क्योंकि आप जुड़े हुए हो तो आप उनकी हीलिंग कर सकते हो या करवा सकते हो वो एक्चुअली फिर उनकी हीलिंग नहीं हो रही है वो आपकी हीलिंग हो रही है छोटा कुत्ता का बच्चा है पपी है और आपने उसे पाला है उसको, उसको चोट लग गया है तो पेन आपको हो रहा है तो आप उसकी हीलिंग करा रहे हो तो आप असल में आपको पेन हो रहा है उसके दर्द से तो आप एक्चुअली अपनी हीलिंग करा रहे हो आप अपनी हीलिंग करा रहे हो तो, तो अगर उस तरह का बॉन्डिंग है तो बिना बताए भी किसी की हीलिंग कर सकते हैं अगर आप उनकी तकलीफों को अपना समझ रहे हैं जैसे कोई इंसान बहुत शराबी है बहुत पी रहा है बहुत नशे में है और उसके जीवन में बहुत दुख है तकलीफ है आप जानते हो और उस तकलीफ से आप भी तकलीफ फील कर रहे हो तो आप उसकी हीलिंग कर सकते हो या करवा सकते हो बिना उसे बताए भी बिना उसके इन्वॉलमेंट के भी नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को कफ और कोल्ड ना हो उसके लिए कैसे हीलिंग कौन सा हीलिंग देना चाहिए उनको बच्चों को कफ और कोल्ड ना हो बच्चों के कफ और कोल्ड की चीज़ जिम्मेदार ओबियसली विशुद्धा चक्र होता है लेकिन बच्चों को विशुद्धा चक्र पर बच्चों को क्या बड़ों को क्या सभी को विशुद्धा चक्र पर और हृदय चक्र पर तो ऐसे ये बच्चे का प्रतीक चिन्ह है अगर आप बच्चे को सीधे हील कर रहे हो अच्छी बात है लेकिन ज़्यादातर बच्चों के प्रतीक चिन्ह को हील करते हैं तो ये कोई प्रति ऐसा खोजना मत कि ऐसा ही चाहिए नहीं मैं एक लकड़ी की ये तो सिंगिंग बॉल का बजाने का है तो मैं मानता हूँ कि इसे प्रतीक चिन्ह की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ एक बच्चे का प्रतीक चिन्ह है तो उसके गले को और उसके हृदय चक्र पर हाथ रख के मैं हीलिंग करूँगा बच्चों के लिए चौकुरी और सेहेकी काफ़ी है माइल्ड पावर और उसका बैलेंस काफ़ी है चौकरी और सहेकी करें अगर ग्रैंड मास्टर हैं तो आँख सिंबल का भी प्रयोग करें और सब कुछ होने के बाद उद्रिका से बच्चों के पूरे और को लॉक कर दें और अगर ग्रैंड मास्टर नहीं है तो सफ़ेद हरा और लाल रंग के इस सुरक्षा चक्र से चौकुरे 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 बनाकर सुरक्षित कर दें तो ये तरीके से आप बच्चों की हीलिंग करते हैं सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु जी मेरा ये सवाल है कि अगर कोई दिन सुबह की प्रक्रिया फर्स्ट लेवल की मिस हो जाए तो बाद में हम उसे किस समय में कर सकते हैं अगर सुबह की मिस हो गई तो आप कभी भी कर सकते हैं बस ये ध्यान रखना कि पेट खाली हो बिल्कुल पेट खाली हो और कोशिश करें कि अगले दिन फिर अपने सुबह वाले रूटीन पे आ जाएं बट तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझो इस बात को कि आपको सिर्फ सुबह चुनने की आवश्यकता नहीं है आप कोई भी एक समय चुन सकते हैं सेम टाइम सेम जगह वही सेम कपड़े सेम पानी का बर्तन सेम आसन मतलब कि तीन तीन चार चीज़ों को आप रिपीट करें कभी छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है आप बाद में भी कर सकते हैं बस ये ध्यान रखना कि आप का उधर खाली हो आपका अन्न मैकोश खाली हो उसमें मिट्टी ना हो उसमें पानी हो क्योंकि कभी भी करते हैं तो हम पहले पानी पीते तो मिट्टी ना हो पानी हो पानी हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है और गुरुदेव क्या हमें सेवन चक्र की डिटेल्स में जानकारी मिल सकती है जैसे कि आ, पार्टिकल फर्स्ट चक्र में संबंधित उसका रंग बीज मंत्र कार्य उपाय उसके लाभ हानि से सब सब जानकारी

हीलर्स के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है कि जब भी हम वनरेबल uh, कंडीशन में होते हैं इमोशनली कभी वीक होते हैं या फिर किसी झगड़े से किसी तनाव से गुजर रहे होते हैं किसी अभाव से गुज़र रहे होते हैं या कोई ऐसा नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा लालच दुख से गुजर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में हमें हीलिंग नहीं करनी चाहिए और जब अगर ऐसे कभी हीलिंग कर भी रहे हैं तो उस समय पहले न्यूट्रल होना सीखना होगा लेकिन कभी अगर ऐसा कुछ अंदर आ गया है सबसे पहला पैरों से चप्पल निकाल दीजिए जूते निकाल दीजिए मिट्टी में चलना शुरू कीजिए सूर्य की रोशनी और मिट्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है घास और मिट्टी में रोज़ चलिए आधे घंटे एक घंटे धूप में चलिए तो मतलब कि सुबह की धूप में गुरुरी धूप जो होती है ऑरेंज कलर की उसमें घास में मिट्टी में पैदल चलिए और कोई भी एक दिव्य मंत्र का जाप करते हुए वहाँ चलिए और जैसे कि ओम भूरबुआ स्वा तस्वित वरण्यम या जिस धर्म से भी आप बिलोंग करते हैं ताकि आप शांत रहें और अगर ऐसा ना भी कर रहे हैं तो सांसों पर ध्यान लगाते हुए ज़मीन पर बदल चाड़ी नहीं चलिए उससे क्या होगा जितने बार आप कदम रखेंगे एक फोकस रखिए कि इतने का एक, एक बार सांस लेने में मैंने मैं इतने कदम चला हो सकता है एक सांस खींचने में मैंने तीन कदम चला और सांस छोड़ने में मैंने चार कदम चला तो ये आप गिनो नहीं मन को आने ही मत दो बस उस चीज़ को ध्यान रखो तो उससे आप धरती से जुड़ जाओगे और जैसे ही आप धरती से जुड़े आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाओगे जैसे ही यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए तो ना कुछ अंदर है ना कुछ बाहर है तो जो भी चीज़ आपके अंदर समा गई है वो ड्रेन हो जाएगी सूर्य की रोशनी ऊपर से आपके अंदर समाएगी और भूमि के द्वारा वो जो शक्ति है जो ऊर्जा है वो बाहर निकल जाएगी ट्रांजेक्शन क्रिएट हो जाएगा कि ऊपर से आना नीचे से जाना मतलब जाने और आने का तो फिर शरीर शरीर नहीं रहेगा मन मन नहीं रहेगा आत्मा आत्मा नहीं रहेगी तो आप एकदम से अलगाव महसूस करेंगे हर चीज़ से और एकदम से जुड़ाव महसूस करेंगे सब चीज़ से मतलब आपको ये समझ में आएगा जैसे कि जैसे कि ये उंगलियाँ आप ही हो आपकी ही उंगलियाँ हैं हाँ तो आप ऐसा फील करते हैं ना कि ये उंगलियाँ आपकी ही है ये उंगली आप ही हो या अगर आप इस उंगली से अपने आप को जोड़ते हो तो ये शरीर आप ही हो वैसे ही ब्रह्मांड से आप एकाकार हो जाएंगे उस अभ्यास से तो मैं मानता हूँ तीन दिन में ही आपको आराम मिल जाएगा नहीं तो तीन से छः दिन का प्रयास करें मैं रोज़ मेरी ये हैबिट है कि मैं खाली पैर सूर्य की रोशनी में मिट्टी पे चलता ही हूँ ताकि अपने आप को ड्रेन आउट कर सकूँ और कोई क्वेश्चन